जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं सुपर क्रिकेट। तो दोस्तों आईपीएल 24 के लिए जो ट्रेडिंग विंडो है वह शुरू हो चुका है। इसमें जो सबसे बड़ा खबर निकल के आ रहा है अब चेन्नई सुपर किंग के लिए निकल के आ रहा है। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग वैसे तो कई बड़े बड़े खिलाड़ियों पर अपना दाव खेल रही है और ट्रेडिंग के जरिए अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो अब बड़ा अपडेट है वह जुड़ा हुआ है उमरान मलिक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि चेन्नई सुपर किंग बेहद बड़ी बातचीत चल रही है उमरान मलिक और मयंक अग्रवाल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि यह जो ट्रेडिंग है हो सकता है बेन स्टोक्स को लेकर। बता दें कि बेन स्टोक का नाम जो कि ट्रेडिंग में डाल चुकी है चेन्नई सुपर किंग। तो वहीं बता दें कि उमरान मलिक कमाल के एक तेज गेंदबाज है और चेन्नई सुपर किंग हमेशा से इंटरेस्टेड रही है उमरान मलिक में। तो ऐसे में बेन स्टोक देकर उमरान मलिक और बता दें इसके अलावा मयंक अग्रवाल दो ही खिलाड़ी या फिर एक और खिलाड़ी, तीन खिलाड़ियों के अपने टीम में शामिल कर सकती है और बेन स्टोक को दे सकती है। बता दें कि बेन स्टोक बेहद ही महंगे खिलाड़ी है, लेकिन मयंक अग्रवाल का भी दाम अच्छा खासा है। बता दें कि वहीं उमरान मलिक भी कमाल गेंदबाजी, ऐसे में चेन्नई सुपर किंग के लिए बिल्कुल घाटे का सौदा नहीं हो सकता है, कमाल का सौदा हो सकता है अगर उमरान मलिक, मयंक अग्रवाल या फिर कार्तिक त्यागी जैसे बड़े खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग में शामिल होते हैं और बेन स्टोक जाते हैं। तो बता दें कि बेन स्टोक वैसे भी इंजर्ड है और कोई क्लियर नहीं है कि खेलेंगे या भी नहीं खेलेंगे, या खेलेंगे भी तो क्या बॉलिंग करेंगे या फिर सिर्फ बैटिंग करेंगे, इस पर भी सवाल निशान है। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग का यह ट्रेडिंग होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपका क्या रहा इस पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।